हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं कमर चीमा और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब। आप इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं और यू आर वन ऑफ द थिंकिंग जनरल्स ऑफ इंडिया, एंड हम आपसे सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और जैसे कहते हैं कि बड़ा मजा आता है। पहले भी आपसे बात हुई थी, बड़ा काफी सीखने को मिला और मेरे व्यूअर्स को भी सीखने को मिला। तो सर, आज आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट के ऊपर थोड़ी डिस्कशन हो जाए। सर, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इधर इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे हमें एक कोर्स पढ़ाया गया था स्ट्रेटेजिक थॉट। सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहां पे एक कोर्स पढ़ाया गया, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें इस हवाले से सुनने को मिली। सर, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मैं समझ सकता हूँ। ओके ओके ओके। सो सर, बेसिकली तो इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट पे बात करनी है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक थॉट क्या है। तो हमें जब हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि जो स्ट्रेटेजिक थॉट होता है उसमें बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। उसमें ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है, हिस्ट्री इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, और हमारे जैसे मुल्कों में जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। पार्टीशन, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक थॉट में जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सर, सिंस बीइंग द फॉर्मर जनरल एंड सिंस बीइंग द डीजीएमओ, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर राइट नाउ? बिकॉज चीजें बहुत इवॉल्व हो रही हैं, और जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपको ऐसे एरियाज में भी जाना पड़ रहा है जहां पे शायद वो हिस्ट्री, वो कल्चर ना हो, जैसे चाइना के साथ अगर डील करना हो। तो सर, इसमें इंडिया का कंटेम्परेरी स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ये क्या है? ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको भी काफी मदद मिलेगी। शुक्रिया जी। जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है इंडिया का, वो फ्लो करता है चाणक्य से। यस, चाणक्य ने हमको स्ट्रेटेजिक कल्चर दिया था, और एक बहुत ही बढ़िया पीछे रखी हुई है मैंने, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत सारे ना, बहुत सारे बिलीव्स हैं, खासतौर वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमको वी शुड बी फ्रैंक अबाउट थिंग्स कि इंडिया एट दैट इंक्लोज, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया, वी डोंट हैव अ स्ट्रेटजिक कल्चर। हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेटजिक कल्चर नहीं है, हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। ये ब्रिटिश की थॉट चलती आ रही है कि हम गवर्न नहीं कर सकते अपने आप को, हम आपस में लड़ते रहते हैं ऑल दैट। बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। हम बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, हमारे पास स्ट्रेटजिक कल्चर तो चाणक्य ने दिया है, और मोस्ट ऑफ चाणक्य डिक्टम्स एंड थ्योरीज लाइक सुन ज़ू विद चाइना इज एप्लीकेबल, आज भी उसकी एप्लीकेबिलिटी है, रेलिवेंस है। और अगर हम उसको फॉलो करें चाणक्य को, और आप देखेंगे कि उसमें कितना डेप्थ है उस चीज में। तो जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो उससे शुरू हुआ। जरूरी बात है, जो हमारी हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और उसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने करा, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है हमारी हिस्ट्री में, और वो चलता आ रहा है। वो रिवाइज हम कर नहीं पाए ठीक तरह से, बिकॉज जो रिवाइज करने वाले थे उन्होंने खुद ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी थी, तो वो भी हमको देखना चाहिए। लेकिन जो मेन जो स्ट्रेटजिक कल्चर है, इट फ्लोज आउट ऑफ थ्री फोर थिंग्स। सुप्रीम जो होता है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल एम एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारा जो नेशनल एम है वो है ट्रांसफॉर्म इंडिया टू अ मॉडर्न प्रॉस्परस नेशन, मॉडर्न प्रॉस्परस एंड सिक्योर नेशन। तो हमारी जो स्ट्रेटजिक थॉट है, इट फ्लोज फ्रॉम आवर नेशनल एम एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो बड़े सारे नेशनल इंटरेस्ट हमारे हैं टू, यू नो, हमारी सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारा जो स्ट्रेटजिक थॉट है, स्ट्रेटजिक कल्चर है, स्ट्रेटजिक विजन है, वो वहां से चलता है। और हमारी स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग जो है वो चाणक्य से आ रही है। तो ये कहना है कि हमारी स्ट्रेटजिक थॉट नहीं है, ये मेरे ख्याल से गलत होगा बिल्कुल। हमारे काफी लीडर्स हैं, विजनरीज थे, और आगे भी विजनरीज रहेंगे, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन हमें दूसरे कल्चर और स्ट्रेटजिक थॉट भी इम्बाइब करने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और वो हमने किया है। खास तौर से सुन ज़ू है, जैसे मतलब सुन ज़ू इज वन ऑफ द बेस्ट इन एनी केस। और हम हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद पढ़ते हैं, क्लॉसमेट्स है, जैसे मिलिट्री लीडर्स हैं उनकी स्ट्रेटजिक थॉट्स हैं, लिटिल हार्ट है उनकी स्ट्रेटजिक थॉट है, तो उनको भी हमने इम्बाइब किया है। तो खासतौर से मिलिट्री स्ट्रेटजिक कल्चर की बात कर रहा हूँ। जो हमारा मेन चीज जो है, द फोर थिंग्स वी ड्राइव आवर स्ट्रेटजिक थॉट इज जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक, जियो इकोनॉमिक। ये तीन तो पुरानी है,
और एक नई चीज जो उसमें ऐड हुई है वो जरूरी है, वो है जियो टेक्नोलॉजीज। क्योंकि आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज कंट्रोल करेगा, जो टेक्नोलॉजीज इम्बाइब जो उसको एब्जॉर्ब करेगा जियो टेक्नोलॉजीज को, वो पूरे वर्ल्ड को वही कंट्रोल करेगा। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि यूएस और चाइना और जापान लीप्स एंड बाउंड्स बाकी से आगे हैं, ताइवान भी है इसमें, बट मेनली यूएस जो है वो जियो टेक्नोलॉजी जो है, और चाइना जो है वो कैचअप कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सही हो गया ये, आपने बिल्कुल सर कहा, जियो टेक्नोलॉजी की सर आपने बात की। सर प्राइमरीली जब देखा जाता है जो इंडियन लीडरशिप की जो डिसीजन मेकिंग है, या जो मेजोरिटी ऑफ अगर जो स्ट्रेटेजिक थॉट के कुछ फ्रेमवर्क देखा जाए तो उसमें हिस्ट्री, कल्चर और इस तरह की चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। तो सर फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट आपकी सिलिकॉन वैली में इंडिया चाइना स्कर्मिशेस हुई हैं, तो उसमें सर हाउ डज जो ज्योग्राफी है वो उस तरह से प्ले अप नहीं होती थी डिसीजन मेकिंग में, जिस तरह से रिलीजन और कल्चर ज्यादा प्ले अप होता था पाकिस्तान को लेकर और खिते के इस मामला को लेकर। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो फॉर एग्जाम्पल अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन मिलिट्री ने इतने बड़े डिसीजन लिए हैं चाइना के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के हवाले से डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो इसमें चाइना कभी उस तरह स्ट्रेटेजिक थॉट का हिस्सा रहा है, क्योंकि उसके साथ आपकी कल्चर और हिस्ट्री और रिलीजन उस तरह नहीं मैच करता जिस तरह पाकिस्तान और इस खत्ते में जो हमारे साथ था। तो इजंट इट अ न्यू चैलेंज फॉर इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप? जहां तक गलवान की बात है वो उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो बड़े टैक्टिकल लोकल एक्शन है मेरे हिसाब से, तो उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। लेकिन जो आपने बोला उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मिलिट्री बिलीफ है यह हर जगह है हर देश में कि गुड स्ट्रेटजी एंड पुअर टैक्टिक्स यू कैन नेवर विन अ वॉर, बट इवन विद बैड स्ट्रेटजी बट गुड टैक्टिक्स यू कैन विन बैटल्स। तो आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आपकी जो टैक्टिक्स होनी चाहिए ग्राउंड पर, इट हैज टू बी गुड। गलवान में पॉसिबली चाइना हैज अ गुड स्ट्रेटजी, आई एम नॉट सेइंग, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है जो कर रहे हैं, इट इज नॉट अ टैक्टिकल थिंग, बट व्हाट दे आर डूइंग इज वेरी पुअर टैक्टिक्स, नॉट अ बैड टैक्टिक्स, पुअर टैक्टिक्स बाय वायलेटिंग एग्रीमेंट्स, यू नो दैट इज पुअर टैक्टिक्स। So, जो जहां तक हिस्ट्री की बात है, अगर आप देखें 1962 भी गलवान से शुरू हुआ था, तो अभी जो 1962 की जनरेशन थी, हम तो बच्चे थे, और जो 62 की जनरेशन थी अभी वो बूढ़े हो गए हैं, दे अंडरस्टूड दैट लाइफ इज नॉट अबाउट यू नो टेकिंग पोजीशंस एट ऑल, आगे बढ़ना चाहिए। और अभी जो गलवान हो गया है वो दोबारा से उसी जगह पे, उसी हिस्टोरिकल प्लेस में जहां से 62 शुरू हुआ था, वहीं पर उन्होंने एक दोबारा से मिस्ट्रस्ट, जिसको कहते हैं ना, भरोसा तोड़ दिया, मिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया। और ये जो 60-65 करोड़ जो हमारे यंग इंडियंस हैं, यूथ है इंडिया का, यूथ बल सबसे ज्यादा इंडिया में है आज पूरे देश में, चाइना में भी नहीं है, उनकी वन चाइना पॉलिसी थी, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया वो। तो जो हमारा जो यूथ है वो इस धोखे को, जो उन्होंने भरोसा तोड़ा, इसको याद रखेगा एंड दे विल कैरी इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। So I think that is what strategic culture is all about, to think ahead, to think your the act, what actions you have done, uska jo outcomes kya honge wo bahut zaruri hota hai strategic thought mein. To jo strategic culture hai, history hai, abhi history mein galwan history mein chala gaya ho, it's a very minor sort of a thing, but it is a historical event now ki dekho hamare jawan gaye the wahan par, भरोसे से गए थे, एंड दे वर एम्बुश्ड आउट देयर, और हमारे 20 वहां पर हमारे सिपाही, इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर, वहां पर वो शहीद हो गए। तो ये जो इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट है, ये हमारी हिस्ट्री में, हमारे दिमाग में चला जाएगा अभी। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो वी हैव कम फ्रॉम देयर, बट वी हैव नॉट बीन ओल्ड बिल्ड अप ऑन आवर सिविलाइजेशनल वैल्यूज, we not you know hamare usme kafi erosion aayi hai, and main erosion came from let's say 17th and 18th century, part of 19th century also. To hamare values jo erode hue hain, hamare beliefs jo erode hui hain, usme bahut fark pada hai. Aur abhi ek nayi cheez jo shuru mein technology pe baat kar raha tha, agar aap dekhen aaj jo hai ek virtual societal warfare hai, hamari society change ho rahi hai
धीरे धीरे चेंज हो रही, बहुत रैपिड चेंज हो रही है। जो हमारे अभी छोटे बच्चे हैं उनको देखें, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, उनके थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उनकी एक नई इट्स अ इंस्टेंट जनरेशन है ये। तो टुडे जो दुनिया में है, नो वन, यू कैन नॉट, यू नो, व्हेन यू टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड इन द मिलिट्री टर्म, nations go to war to impose their will. War is a last resort. War is never an option. War is lost. But when you go to war, you want to go to impose your will on your adversary. Today, no one has to do that. I will change the behavior of society. If possibly, I don't know, but it is rumored that the, even the American US elections were interfered with. तो अगर ये virtual societal warfare है, तो मैं लड़ाई क्यों देख रहा हूं? मैं ये करूंगा, मैं societal warfare, मैं society से आपके आपके thought process change कर दूंगा। Information wars जो है, influence operation वो जरूरी हो गए हैं। तो that has to be part of the strategy culture now. सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जेन में आ रहा है, और वो जैसे आपने वर्चुअल सोसाइटियल वॉरफेयर की बात की, वर्चुअल सोसाइटियल वॉरफेयर की बात की, तो इंडिया से चल रहा है, मीडिया कह रहा है जी डिजिटल स्ट्राइक कर दी हमने इंडिया चाइना के ऊपर, कोई कह रहे जी ये डिजिटल रिवेंज ले लिया है, बल्कि वैसे ये मेरी टर्म है डिजिटल रिवेंज, मैंने अपने ट्विटर पे कल लगाई थी। जल साहब ये बताएं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो तो गलवान वैली में था, तो वो उसको लेके दिल्ली में आ गए हैं। सो इट मींस यू हैव चेंज द थिएटर ऑफ वॉर, इंडिया ने अपना जो थिएटर ऑफ वॉर है वो बदल दिया है। मसलन अगर कोई गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई अगर जाने तो गई है, दोनों तरफ से गई है, इंडिया की भी गई है, चाइना की भी गई है, लेकिन जो चाइनीज मूव थी दैट इज टू प्ले ऑन द पेरिफेरी सो दैट द एंटायर स्पेक्ट्रम विद इंडिया जो है वो हमारा कोऑपरेशन रहे। लेकिन जब आपने फॉर एग्जांपल 59 वो एप्स को जी बैन कर दिया फॉर सिक्योरिटी और रीजंस की वजह से, सो दैट डजंट मीन यू हैव ब्रॉट कॉन्फ्लिक्ट एट होम। सो इजंट इट लाइक जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने जियो टैग की नजर से देखें तो ये तो जो मसला है वो घर में आ घुसा है। हाउ वुड यू सी दिस? देखिए जो वो मैं बोल रहा हूं ना, इट इज जो टैक्टिकल एक्शंस होते हैं उनके स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशंस होते हैं। आजकल की दुनिया में एवरी टैक्टिकल एक्शन कैन कम इनटू अ स्ट्रेटजिक डोमेन, तो गलवान हैज कम टू अ स्ट्रेटजिक डोमेन। ठीक है, एक चाइना ने जो किया, आई थिंक इट इज डन, इट डिड नॉट रियलाइज कि जो रेजोल्यूट इंडिया है और खासतौर से हमारी जो आर्मी है हाईब्रिड वॉरफेयर में, और मैं पाकिस्तान आर्मी की बात करता हूँ, वो भी हमें बहुत एक्सपीरियंस है हाईब्रिड वॉरफेयर, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में कोर कमांड करी थी मैंने वहां पर, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर, क्यों हम तो पीठ पे जब तक हमारे लाद ना दो हमें मजा ही नहीं आता, 25-30 किलो लेके चलने में मजा आता है। तो उन्होंने जो किया वहां पर उसके इम्प्लीकेशंस तो हर डोमेन में होंगे, तो यू कैन नॉट से कि एक डोमेन में हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो दूसरे डोमेन में होंगे। आजकल के मल्टी डोमेन मल्टी डायमेंशनल डिसीजंस हैं ये। तो ये 59 एप्स जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी करा है, इसमें तीन चार रीजंस हैं। एक तो डेफिनेटली जो रीजन है वो टू सेंड अ सिग्नल टू चाइना, जो मैं बता रहा था कि 60-65 करोड़ जो इंडियंस हैं अभी चाइना को देखो, दे विल नीड द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट इज द ओनली मार्केट विच इज गोइंग टू ग्रो जस्ट इन नंबर्स, शेयर नंबर्स। अब नंबर्स को आप मैच नहीं कर सकते कहीं पर ही आप, तो इंडियन मार्केट्स, दे विल नीड द इंडियन मार्केट्स फॉर द प्रोडक्ट्स, स्पेशली आफ्टर यू नो कोरोना वायरस, मेड इन चाइना कोरोना वायरस बोलते हैं जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, वी डोंट, पीपल डोंट नो टच इट, इवन इंडिया दे डोंट टच इट नाउ। आप मानेंगे नहीं, इंडिया में भी अभी चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, काफी लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमने नहीं करना है। तो आई गिव एग्जांपल, आई ट्वीटेड आल्सो, आई हैव अ 5 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, तो ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, वी कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल दिस, ही शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस। बट वो इतना सारा टीवी देख रहा है, वो अभी बीच में हम न्यूज देखते ही है, तो कहता है नाना आप डू यू हैव अ चाइनीज मोबाइल, अच्छा नहीं मेरा सैमसंग है, कहता है फिर ठीक है नहीं तो मैं तोड़ देता हूँ उसको। this is a psyche I'm talking about. So when we ban this apps out here, China has to understand that our data, and Pakistan also is affected by this. You know, data is the, I will not say new oil, data is power. Jiske paas data hai, uska power hai.
power 1.0 was might is right. Power 2.0 was money is power. Power 3.0 was knowledge is power. Power 4.0 oil is power. Today data power 5.0 पे आ गए हैं. 5.0 में data is power. जिसका data है जो data control करता है, he's got the power. He's got everything. So our data is going out. नहीं तो मैं app जो खोलता हूँ उसमें क्यों मांगता है मेरे से access to location, access to your mail, access to your desktop. तो ये क्यों मांगते हैं हमसे? तो basically data ले रहे हैं. तो अभी हमने सिक्योरिटी भी उसके लिए भी इकोनॉमिक डाटा बदली कर दी, उनको बैन कर दिया है एंड लोग से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं इस चीज से. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. सो डेफिनेटली आप इसको समझते हैं कि जो एक टेक्टिकल लेवल की मूव्स होती हैं उसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और ये उसी में का हिस्सा है. लेकिन सर मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में छपा, बल्कि वो हमारे पाकिस्तानी राइटर है फहद हुमायूं. आई कैन शेयर विद यू द आर्टिकल. उन्होंने बेसिकली बताया, जो आर्टिकल का जो क्रक्स वो ये था कि देर आर चांसेस कि जो हिमालयस पे प्रॉब्लम हुआ है इंडिया और यू कांट हेयर मी सर. ओके. उन्होंने कहा कि जो इंडिया चाइना के दरमियान स्कर्मिशेस हुई है उसका जो फॉल आउट हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी. उन्होंने 5 रीजंस मेंशन किए हैं कि क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो सकता है. सो उसमें जो पहली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि इसका नुकसान तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक लाइकलीहुड चांस है फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट का. और उन्होंने पहली बात की कि जी रेपुटेशनल कंसर्न्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के और उनकी गवर्नमेंट के. सो प्राइमरीली व्हेन जब आपके रेपुटेशनल कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि चाइना के मामले में कोई इतनी वो एक रेपुटेशन नहीं बनी, वो एक चैलेंज रहा है बीजेपी की लीडरशिप के लिए, तो वो फिर एक इन ग्रुप सॉलिडारिटी की बात करते हैं. जब वो इन ग्रुप सॉलिडारिटी की बात करते हैं तो दे स्पीक ऑफ द नेशनलिस्ट प्लेजेस की बात करते हैं, वो नेशनलिज्म को दोबारा उभारने की कोशिश करती है पोलिटिकल पार्टी. सो डू यू थिंक इसका कोई नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर पड़ सकता है? अगर आई एम स्पीकिंग, यू आर अ जनरल बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल लेंस दिस वे, के वो जो रेपुटेशनल कंसर्न है, नेशनलिस्ट प्लेजेस है, और जो इन ग्रुप प्रेशर होता है या इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, दैट कैन लीड टू अ नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड स्केल समथिंग, कभी जैसे बालाकोट और समथिंग लाइक दिस. देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज अपने नेशनल इंटरेस्ट से फ्लो आउट करती है. तो वॉर और फॉट, व्हेन माय नेशनल इंटरेस्ट आर सेटल्ड, आई हैव टू सेफगार्ड माय नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल असेट्स. तो जब तक नेशनल असेट्स और नेशनल इंटरेस्ट हमारे सेफगार्डेड हैं, वॉर कैनॉट बी देयर. एंड व्हाट इज द ड्राइवर ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट? ड्राइवर ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट भी तो होना चाहिए वहां पर. कोई पॉलिटिशियन cannot go, just go to war because he wants something to be done. Those days are over now. Today there has to be a driver for conflict. And जहां तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, I think the major problem is from Indian side is terrorism and from Pakistan side is a perceived notion कि कश्मीर को आजादी चाहिए. ठीक है, उसके अलावा तो आपके प्रॉब्लम नहीं है कोई भी. तो ये जो दो पोजिशन हैं, ये बहुत मेजर पोजिशन हैं. Yes, अगर there is a major terrorist attack where the deadlines are crossed again, possibly, yes, why not? There is a possibility. But, war is always a possibility. But the point is that why should we reach that level? हमारे अलग priorities हैं. अगर कल आपने हमारे Prime Minister की speech सुनी, 16 मिनट की speech थी, उसमें, what did he spoke to the nation? कल National TV पर उन्होंने speech थी, उन्होंने क्या address किया? 80 करोड़ लोगों को उन्होंने एड्रेस किया उसमें, कि उनको अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक नौकरी नहीं है लोगों के पास, लेबर के पास नहीं है, हमारे बहुत देश में प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा पहले हमको. तो आर प्रायोरिटी इज टू इंश्योर दैट आर वेलबींग ऑफ 1.3835 करोड़ पीपल, 135 करोड़ लोग हैं हमारे, उनकी वेलबींग बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो नो वन इज थिंकिंग कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है. कल को वोट तो इन्होंने देना है. वोट तो जब देखिए, इवन पॉलिटिकल कैपिटल जो है इज सो मच एंड नो मोर, उसके एंड में तो सब ये सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है. हर एक जगह ये सोचते हैं कि मैं क्या, मुझे इसमें क्या मिलेगा.
So we have to understand that our priorities are to look after the well-being of 135 crore people at the present moment. Our priorities are to ensure of economy jo hai hamari, because of the pandemic, usme bahut problems hai, pure world ko problems hai. And we have to ensure that we remain in a positive growth. We cannot even think of 8 to 10% jo pehle hum sochte the. Possible nahi hai wo. Because do quarter to nikal gaye is saal ke. 6 mahine to ho gaye hain already. तो अगर अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी देखें, अगर एक और कंट्रोल, एक और क्वार्टर हमारे ऐसे चला जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इकॉनमी इज अ वेरी मेजर फैक्टर. इफ वी डू नॉट हैव द इकॉनमी, हाउ डू वी एक्सपेक्ट टू फोकस अदर थिंग्स? एंड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो इकॉनमी इज अ वेरी मेजर फैक्टर. मतलब लेट्स फेस फैक्ट्स, वॉर इज लॉट ऑफ मनी, इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. एंड कैन एनीवन अफोर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई डोंट नो. बट यस, इफ फोर्स ऑफ वॉर, देयर विल बी अ वॉर. वो फोर्स होना नहीं चाहिए ना, सबको पता है एस्केलेटरी लैडर क्या होती है. दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्चर जो आपने शुरू बात करी थी. स्ट्रेटेजिक थॉट जो होता है, एक एस्केलेटरी लैडर होती है. तो एस्केलेटरी लैडर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. एंड दैट इज वेयर द स्ट्रेटेजिक थॉट कम्स इनटू बीइंग. बिल्कुल सही है. तो सर, मैं बेसिकली जो रेपुटेशनल कंसर्न्स की बात कर रहा था, तो दैट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस. उसमें एक जो आता है वो जो चाइना के बारे, जो इंडो पैसिफिक में जो इंडियन जो प्रेजेंस है उसको देखा जा रहा है, और आपके साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 में आई थिंक जब प्रेसिडेंट बुश आए थे तो हुआ था, और फिर उसके इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट जो हुआ, फिर वो $3 अरब की अभी आर्म सेल्स आपको कर रहे हैं, फ्रेंच आपको राफेल दे रहे हैं. सो ये जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, हाउ मच ये जो एक तरफ आपका मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, आपको काफी सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन जब इस तरह के चैलेंज आता है, जो गलवान पे आया, दिस वाज नॉट समथिंग विच इज नॉट नोन एज समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री विच इज बींग प्रॉप्ड अप एज ए काउंटर वेट टू चाइना. सो आई मे बी रॉन्ग इन दिस, बट डू यू थिंक ये इसका जो फॉल आउट है वो किसी तरीके, हालांकि इंडिया अपने आप को नॉन अलाइन ब्लॉक में कहता रहा शुरू से, जी हम नॉन अलाइन है, बट समहाउ इस वाक्य के बाद भी फ्रेंच ने कहा है जी कि हम राफेल को तेजी से भेज रहे हैं, जो इसराइली है वो भी कुछ भेज रहे हैं. तो ये आपको समहाउ इंडिया नॉन अलाइनमेंट से निकल के एक तो एक ब्लॉक में आ गया, और फिर उस ब्लॉक में भी फिर बहुत ज्यादा मिलिट्री वेपन्स आपके पास आ रहे हैं. सो इजंट इट के आप ना चाहते हुए भी एक प्रॉप अप हो गए हैं, और आपको जो अपना गार्ड है वो थोड़ा हाई करना पड़ेगा टू डील विद द चाइनीज एंड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वेस्टर्न पार्टनर्स? नो, इसमें वेस्टर्न पार्टनर्स नहीं आते हैं. वी आर पेइंग फॉर एवरीथिंग. एवरीथिंग इज पेड फॉर. देयर इज नो ग्रांट्स इन एड. जैसे पाकिस्तान को यूएस ग्रांट्स एंड एड देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज पेड फॉर ओवर द टेबल, ओवर द काउंटर जिसको कहते हैं. एवरीथिंग इज पेड फॉर टू द लास्ट पेनी, वेदर इट्स ऑफ इजराइल, वेदर ऑफ फ्रांस, फ्रॉम द यूएस. यूएस इज फॉरेन मिलिट्री सेल्स वो है. एंड लेट मी एश्योर यू, वंस यू पेइंग फॉर अ थिंग, अगर हम चाइना से चाहेंगे, चाइना भी वेपन दे देगा हमको पेमेंट पर. तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है ये, ठीक है. तो वी आर पेइंग फॉर इट. We have to ensure a secure nation. This is security is a very major issue, and we have to understand that peace comes from preparedness. Peace, defensive ke liye hai. Peace through preparedness. Peace from position of strength. China ka khas taur se, China respects strength. If you don't have the strength, so any country for that matter. You, agar aap tagde nahi hoga, to aapko maarega, aake pitega. So you have to ensure that peace comes through preparedness. अगर आप मिलिट्री प्रिपेयर नहीं है, चाहे कोई भी कंट्री होगा, यू कैन नॉट इंश्योर पीस. सो वी आर लुकिंग एट पीस थ्रू प्रिपेयरनेस. सो इट हैज टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट. देखिए, हमारे पास दो एडवर्सरीज हैं, एक चाइना है और एक हमारे वेस्ट में हमारे नेबर पाकिस्तान है. दो एडवर्सरीज है हमारे पास. दीज आर फैक्ट्स ऑफ, दीज आर जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स, दीज आर जियोस्ट्रेटेजिक फैक्ट्स. वी हैव टू प्रिपेयर टू इंश्योर पीस. एंड फॉर पीस वी नीड मॉडर्नाइजेशन. हमारी मॉडर्नाइजेशन चाहिए हमको. और हम जो खरीद रहे हैं वो ओवर द काउंटर देके उनको हार्ड कैश देकर खरीद रहे हैं. उनको क्या प्रॉब्लम है? हार्ड कैश देंगे. आपने तो इजराइल बोला, यूएस बोला, राफेल फ्रांस से बोला, रशिया ऑल्सो. वी आर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम रशिया. 230s हैं, MiG-29s हैं, वी आर गेटिंग टैंक स्पेयर्स हैं. तो हमें जहां से मिलेगा हम लेंगे, बिकॉज पीस फ्रॉम प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि, लेकिन सर बेशक आप ओवर द काउंटर, आपने एक वर्ड यूज किया कि ओवर द काउंटर हम पेमेंट कर रहे हैं, कि हम काउंटर के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब सर 2+2 स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, जब इंडो पैसिफिक कमांड का नाम आता है, जब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आता है, जब इतना ज्यादा आपकी इंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ होती है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप यू आर गेटिंग, आप हार्ड कैश दे रहे हो तो पैसा ले रहे हो, इन रिटर्न वो आपके साथ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, खासकर जो आपका 2+2 डायलॉग हुआ था अमेरिका के साथ, उसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। सो मेरी अपनी जाती राय में जैसे हम बेशक इंडिया वो ओवर द काउंटर पे कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके साथ कोई जो है वो कोई ना कोई साथ स्ट्रिंग जरूर अटैच होगी, वट एवर दैट इज, मुझे नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। तो सर मैं जो अगली बात आपसे पूछना चाहता हूं वो सर ये है कि रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे क्या उसे बोलते हैं, कराची में एक हमला हुआ, उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमारे पाकिस्तान में एक बात चली कि जी वो एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है जो कि जो मिलिट्री लीडरशिप है इंडिया की उस पर काम कर रही है, और वो ये है कि टू सबवर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम, टू डिसक्रेडिट द पोलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेसी को डिसक्रेडिट करना। तो सर डू यू थिंक के, और ये है कि जैसे मैं एक आपके जनरल साहब जनरल विक्रम सिंह आपके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, वो भी इन्होंने एक वीडियो में बात की कि जी हमें पाकिस्तान को उनके अंदर जाके इंगेज करना चाहिए ताकि वो बाहर जाके निकल के सोचे ही ना कि उनको खित्ते में क्या करना है। तो सर डू यू थिंक अगर इस तरह की डॉक्ट्रिन्स रहेंगी तो देर आर वेरी लेस चांसेस के वी कैन गेट इंगेज विद ईच अदर, और डू यू थिंक ये एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान के लिए? नॉर्मली नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर को लोग पाकिस्तान से ही वो करते हैं, लिंक करते हैं। मैं आपको एक और चीज, जहाँ आपने पहले जो बात करी थी दूसरे देश के बारे में कोई उसमें उनका पाउंड ऑफ फ्लैश होगा, ऐसा नहीं है। एक कहते हैं कांग्रेस ऑफ इंटरेस्ट होता है हर एक का, हर एक देश जो है अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं काम करूंगा। तो अगर कांग्रेस का इंटरेस्ट है, अगर हमारे इंटरेस्ट 2+2 में मिल रहे हैं आज, और पहले नहीं मिलते थे, 1971 में द सेम यूएस दे गॉट द 7th फ्लीट टू द बे ऑफ बंगाल, द सेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑन पाकिस्तान इन आफ्टर 62 वॉर, 63-64 में आपको उन्होंने सब का सब कुछ दिया, वी फॉट द 65 वॉर अगेंस्ट पैटर्न टैंक्स एंड सेबर जेट्स एंड स्टार फाइटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। So it is Congress of interest that matters. We should understand that geopolitics mein there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there's permanent interests only. So ye baat dusri hai. Jahan tak Karachi stock exchange, we have to understand that India, let me assure you, will never condone what we condemn. Terrorism ko hum hamesha condemn karte rahe hain aur hum usko kabhi condone nahi karte hain. Whatever Pakistan sees, it is their perception of things. बट यू नो ऐसे तो बहुत सारे परसेप्शन, इंडिया में परसेप्शन है एक बड़ा अच्छा यू नो मजाक भी जोक भी चल रहा है कि वो टेररिस्ट ने क्यों किया, बिकॉज आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है कोरोना की वजह से, सो दैट इज ऑल्सो देयर, सो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो दैट इज लाइटर वे, आई एम नॉट सेइंग यू नो टुडे टेररिज्म इज, एवरी कंट्री इज फेसिंग टेररिज्म, टेररिज्म इज बिकम द बेन, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आज पहुंच गई है, हमको ये नहीं कहना ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म ये सब बेकार की बातें, एवरी नेशन हैज टू लुक आफ्टर इट्स ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कोई आपको नहीं देखेगा, सब आपके कोई भी आपके जो देश देख रहे हैं आपके बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होंगे, वो भी उनके भी अपने इंटरेस्ट होंगे, तभी वो देख आपके साथ हाथ मिलाएंगे, तो नहीं मिलाएंगे कोई भी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इंडिया डज नॉट कंडोन टेररिज्म एट ऑल, वी कंडम टेररिज्म एनीवेयर बाय एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो दैट इज अ फैक्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जल साहब आप, जारी बात है, मैं इसमें वो एक मैं बेसिकली परसेप्शंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन सर एक चीज जो हमें यहाँ पे मैंने बात स्ट्रेटेजिक थॉट से शुरू की, तो जो कल्चर हिस्ट्री और रिलीजन है डेफिनेटली दैट इज प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया पाकिस्तान में वो सारा उसमें। तो सर एक बात ये चल रही है कि जब से बीजेपी को दोबारा मैंडेट मिला तो उन्होंने कहा जी कि हमें जो है आपकी मिलिट्री लीडरशिप ने कहा जी कि मेरे पास सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं रेडी टू सीज कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, हम जो आजाद कश्मीर का कंट्रोल ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान का कंट्रोल ले लेंगे पाकिस्तान से, और हम तो मोदी साहब ने कहा कि हम तो 7 से 10 दिनों में जंग जीत सकते हैं। तो सर ये जो इस तरह के वर्ड्स कमिंग फ्रॉम पैरेलली फ्रॉम द मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप,
डू यू थिंक के पाकिस्तान को इससे थोड़ा वरीड होना चाहिए दैट देयर कुड बी समथिंग जो आगे आने वाले दिनों में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छोटा सा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द न्यूक्लियर ओवर हैंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो इस तरह की जब स्टेटमेंट आती है दोनों मुल्कों से, सॉरी इंडियन मिलिट्री लीडरशिप से और पॉलिटिकल लीडरशिप से, शुड पाकिस्तान बी कंसर्न्ड अबाउट दिस? डेफिनेटली, इफ देयर इज अ स्टेटमेंट एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट द इंडियन मिलिट्री विल echo the language of the political leadership, usme koi shak nahi hona chahiye hame, kyunki we follow the government of the day, whichever the government be, the government has elected, ek badi mandate hai hamare paas, koi bhi duniya mein aisa kabhi election hui jo hamare sath compete kar sake. 80 crore people voted for 542 parliamentary seats out of 8000 candidates, itna bada kahan se election ho sakta hai kahin bhi, ye to alag baat hai, lekin पाकिस्तान को यह भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि हमारी एक पार्लियामेंट है और हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 12 फरवरी 1992 की, वेयर द पार्लियामेंट रेजोल्यूशन सेज दैट वी विल इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दैट्स अ पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, उसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है ये, एंड अगर गवर्नमेंट कहती है तो आर्मी हैज टू प्रिपेयर फॉर इट, बट इसने ये तो नहीं बोला हम कल करेंगे या परसों करेंगे या तरसों करेंगे, 1992 की रेजोल्यूशन है हमारे पास। नहीं जलसे वो बात आपकी ठीक है, डेफिनेटली आप सारी बात है, आपने कहा कि मिलिट्री वही करेगी जो गवर्नमेंट कहेगी, तो सर ये फिर मसला तो बड़ा खराब हो जाएगा। आप नहीं देखते ये एक अग्रेसिव पोस्चर है फ्रॉम द राइट विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो एंड गेट दीजिए आजाद कश्मीर ले लेना हमने, जो वो अमित शाह साहब कहते हैं जान दे देंगे, वो अक्सर मीडिया चला रहा होता है, वो जो राइट विंग मीडिया उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जान दे देंगे आजाद कश्मीर के लिए, ले लेंगे उनसे, तो अजी अब वो अजी गिलगित बल्तिस्तान का टेम्परेचर दिखा रहे हैं, कभी जी मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर दिखा रहे हैं। सो ये जो एक ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन आई है, इसके पीछे क्या माइंड सेट है? क्या मोदी साहब ये समझते हैं कि ये आइडिया बिक गया है? सॉरी आप जनरल हैं, लेकिन आई हैव टू, बिकॉज ये चीजें लिंक है, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री लिंक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कि आप वो पॉलिटिशियंस के चीजों के जवाब दें, लेकिन डेफिनेटली द मिलिट्री हैड टू कैटर ऑल दैट। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर है दाएं बाजू का, शिवसेना का, ऐसी जमातों का, या कि ये मोदी साहब ये समझते हैं क्योंकि ये बिकता है इंडिया में तो ये चलेगा? देखिए मैं तो कह रहा हूँ 1992 की रेजोल्यूशन है, 1992 तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तो ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, तो कोई नई बात नहीं है, रेजोल्यूशन सबको पता है, ये आपको भी पता है, ये आप कहीं भी फॉर्मर मिस्टर 12 फरवरी की है मेरे ख्याल से, पर 1992 रेजोल्यूशन है कि हम भाई जेएंडके हमारा है, उसमें शक क्या है किसी को, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट, इट्स आवर टेरिटरी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, wherever it is, J&K is as per the rule of the world, it's our territory total, pura J&K hamara hai, usme to koi shak hi nahi hai, to isme right wing kahan se aa gaya aur ye kahan se aa gaya, ye to kehne ki baat hai, J&K to hamara hai hi hai, to puri pura masla to yahi kar rakha hai, pura 70 saal se ye chal raha hai, dekhiye 47 48 mein razakar aaye, 65 mein hua, 99 कारगिल में हुआ, जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जेएंडके तो एक मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के लिए, इसमें जेएंडके के जो पीपल हैं दे आर सफरिंग, बट जेएंडके इज इंटीग्रेटेड टू इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट व्हाटसोएवर, दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एवरी इंच ऑफ जेएंडके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो सर जे आप कह रहे हैं जे एंड के पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान कहता है वो तो हमारा है, हम तो मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो यूएन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल और सारी दुनिया को बता रहा है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, न्यूक्लियर है, ये वो, तो हम आपको कह रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं, तो सर क्यों ना एक और काम कर लें, हम किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आए और उनसे बैठ के बात कर लें, जो भी पाकिस्तान इंडिया के आज तक मुजाकरात हुए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने कराए, इंडस वाटर ट्रीटी हुई या बाकी जो चीजें आज तक डेवलप हुई वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई। सो आप नहीं समझते कि थर्ड पार्टी कैन प्ले अ बेटर रोल इफ वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ द पीस,
अगर अमन का रास्ता लेना है और हम दोनों इस बात पे एग्री हैं कि हम दोनों ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, तो इज़न्ट इट कि हम थोड़ा थर्ड पार्टी को इंगेज कर लें, चाइना को छोड़े, किसी और अमेरिका को, यूरोप को, किसी और को? ठीक है, या थर्ड पार्टी का सवाल है, 1972 की शिमला एग्रीमेंट है, आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिए, उसमें वेरी कैटेगरी लिखा हुआ है, उसमें सेक्शन 2 है मेरे ख्याल से, क्या लिखा हुआ है उसमें कि एवरीथिंग विल बी रिजॉल्वड बाय लिटरली, दैट्स अ रेजोल्यूशन 1972। जहां तक थर्ड पार्टी का सवाल है, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि आई कैन इंटरवीन, इंडिया पाकिस्तान ने बोला, इंडिया चाइना में बोला, इंडिया ने बोला नहीं भाई हम अपना करेंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है, हम अपना कर सकते हैं, अपना ही करेंगे, हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, व्हाई शुड आई इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी एंड देन यू नो वी ट्राई टू वू द थर्ड पार्टी, वू थर्ड पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं हमेशा, बहुत ही ऐसे थर्ड पार्टी जो है न्यूट्रल है, आजकल की दुनिया इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता, अगर हम दोनों मिलकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते चलता रहेगा, कोई मतलब इतने 70 साल चल रहा है, लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यूज। द पॉइंट इज पोजिशंस जो हैं, जो ले रखी हैं, वो कॉन्ट्रडिक्टरी कंफ्लिक्टिंग है, उसमें कंसंट्रेशन है, तो वी हैव टू फेस दैट फैक्ट, सो देयर इज अ कंसंट्रेशन आउट देयर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट आउट देयर एंड वी हैव बीन एबल टू कैप दैट कॉन्फ्लिक्ट। आप ये देखिए ना, 99 के बाद तो कुछ नहीं हुआ, तो सर तो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट J&K इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल एंड दैट इज आवर पोजीशन। सर मैं इससे एक सवाल करूंगा फिर अगले बात पे जाऊंगा। आपने कहा शिमला एग्रीमेंट बायलैटरल है, लेकिन सर आपने तो यूनिलैटरली फैसला कर लिया कश्मीर के ऊपर, तो आप तो अगर इफ वी टेक इट, सुनिएगा ना सर, लेट्स से जो व्हाट एवर यू हैव डन ऑन कश्मीर रिसेंटली, कि जी हम उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाएंगे, हम जो वहां पे डोमिसाइल देंगे, हम 35 स्पेशल स्टेटस रिमूव करेंगे, तो दिस इज बायलैटरल ना, तो इफ इट इज बायलैटरल देन व्हाई यू हैव नॉट टेकन ऑन बोर्ड फॉर टेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, फॉर ब्रिंगिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इफ दिस इज अ बायलैटरल थिंग। नहीं, कल को अगर हमने अब कहीं पर और कुछ किया तो आप बोलेंगे वो भी बायलैटरल है, बायलैटरल इज इंडिया पाकिस्तान, इट इज नॉट J&K, J&K इज इंटीग्रल टू इंडिया, इट्स आवर टेरिटरी। 370 इज अ टेंपरेरी आर्टिकल, इट वाज व्हेन इट वाज गिवन, इट इज अ टेंपरेरी आर्टिकल, 35 इज अ टेंपरेरी आर्टिकल, वी हैव चेंज्ड द स्टेट, द यू नो द प्रोविजंस ऑफ 370 हैव बीन सस्पेंडेड, दीज आर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज टेंपरेरी एनी केस। ठीक है, तो ये थोड़ी कि अगर हम अगर इंडिया में कुछ भी करना चाहे तो हमको पाकिस्तान से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बायलैटरली बात करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है, दैट इज नॉट सो। J&K में जो है जो किया है, दिस इज विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, इट्स पास बाय द पार्लियामेंट, सो दैट इज व्हाट इट इज, वी आर नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ एनीथिंग व्हिच इज नॉट देयर। बायलैटरल टाइप की बात करें, एनीथिंग व्हिच इज अ बायलैटरल इशू, इंडियन पाकिस्तान टू सिट डाउन एंड टॉक, थर्ड पार्टी का मतलब नहीं होता कोई भी। ठीक है सर, मैं अब थोड़ा सा इस खित्ते से बाहर निकलना चाहता हूं और आपकी जो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है उससे भी थोड़ा सीखना चाहता हूं। सर ये बताएं कि ये जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वो जिस तरह एक राइट विंग एलिमेंट, पॉपुलिस्ट एलिमेंट, अभी वो रिलीजन को भी बीच में ले आए हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ सॉर्ट ऑफ एन इलिबरल लीडर है, वो इज नॉट अ लिबरल लीडर एंड ही इज नॉट प्रोपोगेटिंग लिबरल टेंडेंसीज, और वो जो अमेरिकन वैल्यूज थी वो उनको प्रोपोगेट नहीं कर रहे या उनको आगे लेके नहीं चल रहे। तो सर हाउ डू यू सी दैट ये जो अमेरिकन इलिबरल स्ट्रक्चर है, हाउ इट कैन अफेक्ट इट? मुझे ऐसे लगता है कि आप इंडिया के लिए बहुत अच्छा ये, लेकिन हमारे जैसे मुल्क के लिए इफ अमेरिका गेट्स इलिबरल तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो ये जो अमेरिकन कल्चर या अमेरिकन पॉलिटिक्स में इलिबरल चीजें आ रही हैं, हाउ डू यू फाइंड दिस सर? सर मैं फौजी आदमी हूं और हमारे यहाँ फौज जो है अपोलिटिकल है, टोटली अपोलिटिकल है। अगर आपने देखा पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने किसी पॉलिटिकल पे कमेंट नहीं किया, चाहे वो इंडिया की पॉलिटिक्स थी, चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी, या चाइना की पॉलिटिक्स थी। हमारे यहाँ मैं कभी पॉलिटिकल कमेंट करता नहीं हूँ कि हम जो है टोटली अपॉलिटिकल हैं एंड दैट इज माई ट्रेनिंग, दैट इज हाउ आई बीन ब्रॉट अप, एंड हम कभी पॉलिटिकल बात करते नहीं है। तो अभी USA जो कर रहा है उनकी मर्जी है, वो उनके उन्होंने इलेक्ट करा है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे वांट टू इलेक्ट समवन, दे वांट टू इलेक्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, दे इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, वो बराक ओबामा को इलेक्ट करे, उनको इलेक्ट, वी रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, पीरियड। अगर द पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, इट्स द मैंडेट ऑफ द पीपल, हु एम आई टू कमेंट ऑन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ US? I have no political thought as such. Honestly, I have no political leaning. I have no political thought. I am a soldier. I will remain a soldier.
तो नहीं हूं मैं, वो प्रिविलेज मेरे पास नहीं है अभी, मैं मानता हूँ, और नहीं है तो नहीं है। उस दिन किसी टीवी एंकर ने वैसे पूछा कि अगर आप वहां पर कमांडर होते तो कैसा होता, मैं कहा आपने तो मेरे मतलब मुझे कमांडर बना दीजिए, कमांडर क्या मुझे वहां पर वहां वो क्या कहते हैं जो उठाकर चलते ना पोर्टर, कमांडर तो पोर्टर बना दीजिए मेरे लिए, वो भी इज्जत की बात होगी। बट आई डोंट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, इट इज नॉट आई डोंट इवन गिव इट अ थॉट, मैं पढ़ता भी नहीं इसके बारे में। नो प्रॉब्लम सर, मैं दरअसल आपके रिटायर्ड होने का फायदा लेना चाह रहा था सर, बट एनी हाउ, लेकिन सर मैंने कहा आप रिटायर्ड है तो शायद अब कर दे। लेकिन सर एक दो सवाल और आपसे, और वो वापस अगर, क्योंकि हमने मिलिट्री उसके ऊपर बात करनी है, तो सर ये बताएं कि ये जो चाइना के हवाले, बस एक दो सवाल सर, ये जो चाइना के हवाले से सर हुई बात, तो सर मैं अक्सर ये मैंने भी लिखा भी, इस पर बात भी की कि जो चीन और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें गोली नहीं चली, तो जब गोली नहीं चली तो प्रॉब्लम जो 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 हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब आप गोली नहीं चलाते और आपकी जानें भी चली जाती हैं और आपके पास इतना बड़ा मीडिया भी मौजूद होता है और आप इतना बड़े मीडिया की मौजूदगी में वो जो इम्पैक्ट होता है अपनी सोसाइटी के ऊपर वो नहीं लेके आ सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। चाइना ने कोई मीडिया अपीयरेंस भी नहीं दी, वो बोले भी नहीं, लेकिन चाइना का एक इमेज ऐसे बड़ा जैसे चाइना ने पता नहीं कुछ अच्छा कर दिया और इंडिया के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये जो जो इंडिया एक थॉट नहीं बिल्ड कर सका, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की साइलेंस थी सर, ये आप समझते हैं कि साइबर वॉरफेयर में और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया की कैपेसिटी होने के बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पाया? देखिए जो चाइना ने किया उन दे फॉलोड द एग्रीमेंट ऑफ 1999 इन लेटर नॉट इन स्पिरिट, लेटर एंड स्टेट होता है, उन्होंने लेटर में फॉलो करा जहां पर 1990 लिखा कि मिलिट्री फोर्स विल नॉट बी यूज्ड, उन्होंने फायरिंग नहीं करी, हमने फायरिंग करी, आवर ट्रूप्स वेंट इनटू एन एम्बुश, ठीक है प्रीमेडिटेड थे, वहां पर जो हुआ बहुत गलत हुआ, आई स्टिल फील वो एक लोकल कमांडर था टैक्टिकल लेवल पे, लोकल उसमें हुआ, लेकिन उसका इंप्लीकेशन स्ट्रेटेजिक है ही है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमको। जहां तक आपने बोला कि इंडिया ने जो अपनी इंफॉर्मेशन वॉर थी, ठीक है इन्फॉर्मेशन वॉर हमारे पास आई विश जो आप सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो होता, हमारे यहाँ तो ओवर 1000 न्यूज चैनल हैं, एंड इन अ कंट्री लाइक आर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जिसको जो चाहे बोलना चाहता है वो बोलता है वहां पर आके, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। एंड अगर आप देखें, अगर आप फॉलो कर रहे हो इंडियन टीवी चैनल्स को या इंडियन न्यूज प्रिंट को खास तौर से, वो क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग यू नो क्वेश्चन आस्क वेदर द सोल्जर्स आर्म्ड और नॉट आर्म्ड, व्हाई डिड दे नॉट फायर, हु स्टॉप्ड देम फायरिंग। अरे फायरिंग तो देखिए देयर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है हमारे पास, तो वही मैं आपको पहले भी बताया, वहां पर फायरिंग हमने लास्ट जो वहां फायरिंग हुई थी 1975 अक्टूबर में हुई थी वहां पर, तो चाइना ने भी फायर नहीं किया। कल कोर कमांडर से मीटिंग हुई है वहां पर, होपफुली देयर विल बी डीएस्केलेशन, एंड दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइना, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, and China understands that, India understands that, and we have lived, we have had a very peaceful disputed border with China, and that is how it is, and it's despite of jitna marzi aap boliye jitne tensions hain, firing abhi bhi nahi hui wahan par, hopefully nahi hogi, ye nahi keh raha ki nahi ho sakti, but nahi hogi main ye bol raha hu, so we have to understand that information war jo hai, it is not about all information war, hamara media totally free hai, aur wo kya bolta hai ye aap bhi dekh rahe hain, हर एक चीज उसमें उनके क्या परसेप्शन हैं, हाउ द गवर्नमेंट इज बीइंग क्वेश्चन्ड, हाउ द मिलिट्री इज बीइंग क्वेश्चन्ड, सो दीज आर मतलब नोन क्वेश्चन द मिलिट्री एनीवेयर, द वे आर मिलिट्री इज अंडर मतलब वी हैव लर्न टू लिव अंडर मीडिया स्क्रूटनी एंड मीडिया ग्लेयर बोथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट खासकर मिलिट्री के लिए टू लिव अंडर मीडिया स्क्रूटनी, एंड आप यूर अ मीडिया पर्सनैलिटी यू नो हाउ इट इज, एंड एवरीथिंग इज अंडर स्क्रूटनी टूडे, एवरी क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, एंड वी हैव टू लिव अंडर मीडिया ग्लेयर, and that is what we have learned to live with, and we are living with it. Jal sir, ek sawal wo mere zehen mein aa raha hai wo ye hai ki aap samajhte hain ki ye jo recent India China jo skirmishes hui hain isme information ko control karna zaruri tha, kyunki agar Kashmir ke mamle mein dekha jaye to jo information military release karti hai normally wahi media pe aati hai, kyunki normally ek conflict zone hone ki wajah se media ko wo
एक्सेस नहीं हो पाती और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में और इस तरह, तो आप समझते हैं कि आइंदा फ्यूचर आने वाले अगर कोई अल्लाह ना करे हम कहते हैं कि इंडिया चाइना में मामलात खराब हों और कारोबार बिजनेस चलते रहे और ग्रोथ हो, लेकिन सर आप समझेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना जो है दैट शुड बी अ नेसेसरी टूल फॉर एज ए पॉलिसी फॉर अ स्टेट टू कीप एंड टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मिलिट्री एंड द सोसाइटी एज वेल? यू कैन नॉट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल नहीं है इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना, दो मिलिट्री वुड लाइक द इन्फॉर्मेशन टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज़ मिलिट्री वुड लाइक टू वर्क इन अ यू नो इन अ डोमेन वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज देयर, लेकिन टुडे इन्फॉर्मेशन कंट्रोल हो नहीं सकती, एवरीवन इज कैरिंग अ मोबाइल, इतने मोबाइल है सबके पास, इन्फॉर्मेशन फ्लोस विद इन सेकेंड्स एंड उसकी परसेप्शन है वो क्या बोल रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो क्या कन्वे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो क्या समझ रहा है, वो उसके आगे वीडियो को क्या कन्वे कर रहा है. So I don't think information control in a society is possible anymore, whether it is India, whether it's Pakistan. China ki baat alag hai. China mein they don't even allow Twitter, they don't allow Facebook. Unke systems alag hai. I don't think in hamare deshon mein, khas toor se India mein, koi information control kar sakta hai. And though we would like it to be controlled, but that is not feasible. Possible nahi hai. Bilkul sahi hai. तो सर यही मेरे थोड़े सवाल थे जो आपसे मैंने करने थे और आपने कहीं जाना भी था, मसरूफ भी थे, तो थैंक यू वेरी मच सर. मैंने थोड़ी सी कोशिश की है चीजों को समझने की आपसे और जारी बात है मेरे व्यूअर्स भी इनको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी पाकिस्तान भारत चाइना और खासकर जो इनिशियल में आपने थोड़ा स्ट्रेटेजिक थॉट पे अपनी जो बात की. सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल सर. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू, आई हैव एंजॉयड इट. It's an excellent platform and thank you, sir. Thank you very much indeed. Bahut bahut shukriya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.